नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के जगाधरी शहर के जोड़ीपुरा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर देर रात परिवार जो है किसी मित्र की शादी में पहुंचा हुआ था। पूरा परिवार शादी में पहुंचा हुआ था, रातों रात जो चोरों ने है इस घर के अंदर सेंध लगा दी। आइए एक बार आपको दिखाने का प्रयास ज़रूर करूंगा किस तरीके से शहर के अंदर चोरी की वारदात, जो जी हाँ चोरी की वारदात लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लगाम तो लगने की बहुत दूर है, एक वारदात थमती है तो दूसरी वारदात तुरंत हो जाती है। एक बार मैं आपको अंदर दिखाने का प्रयास ज़रूर करूँगा कि क्या कुछ पूरी लूट इस घर के अंदर हुई है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम मौके पर एफएसएल की टीमें यहां पर पहुंची थी और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो है चोरों ने, जी हां चोरों ने है इस घर के अंदर जो है सेंध लगाई है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लॉक लगे हुए थे, घर की अलमारियाँ थी, अलमारियों के साथ साथ जितने भी ताले लगे हुए थे वो तोड़ दिए गए हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात इस समय शहर में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, दूसरी ओर की मैं तस्वीरें दिखाऊं तो अलमारी के किस तरीके के हालात कर दिए। जी हाँ, अलमारी के आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात कर दिए हैं। चोर बड़ी आसानी से घरों के अंदर सेंध लगाते हैं। तस्वीरें आप लाइव देख सकते हैं, परिवार से प्रयास करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, तो जानने का प्रयास करेंगे। फैमिली के मेंबर, क्या नाम है आपका? प्रियांश। कौन हो आप इस नाम? मैं यही रहता हूँ, मैं जो जिन्होंने कंप्लेन की, नवीन कुमार का बेटा ही हूँ मैं। हाँ जी, क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, कहाँ पर गए थे आप? हम बस रोपड़ शादी में गए थे। हम वहाँ सुबह 5:30 साथ में पड़ोस से फोन आया हमारे पास भी, आपके सारे घर के ताले टूटे हुए हैं, और जब उन्होंने अंदर आके देखा तो सब कुछ बिखरा हुआ था। फिर हम करीब 8 बजे हम यहाँ पहुँचे, 8 बजे फिर हमने पहुँच के सारा देखा, फिर हमने कंप्लेन वगैरह दी चौकी में, सब कुछ दी। अब एफएसएल की टीम आके चेकिंग वगैरह सब कुछ करके गई है। तो क्या बताना चाहेंगे किस तरीके से ताला बाहर कौन सा लगा हुआ था, किस तरीके से तोड़ा हुआ? बाहर वाला लॉक था और जो मेन अंदर वाला सेंटर लॉक था उसका एक मतलब एक दो पॉइंट पे था, वो सारा तोड़ के अंदर बढ़े। फिर एक लकड़ का दरवाजा था उसका भी था लॉक, उसको भी तोड़ के अंदर बढ़ गए। मतलब कि चोर बिल्कुल नाकाम है, ऐसे ही घूमे जा रहे हैं, बुरे हाल हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहली बार जो है चोरी हुई है इस मोहल्ले में? ये बहुत बुरा हाल हो गया, पता नहीं क्या ही हो रहा है जगह। हाँ जी हाँ जी, टुच्चे नशे। हाँ जी हाँ जी। क्या कोई कैमरे गली में लगे हुए थे आपके? हमारी गली में तो नहीं, आगे हैं तो उनमें भी कुछ तस्वीरें जाहिर हो पाई हैं? कुछ अभी तो नहीं, अभी तो नहीं हुई, अभी तो नहीं हुआ कुछ। अच्छा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, टीम ने जो पूरी छानबीन करी है उससे क्या क्या संतुष्ट हैं थोड़े बहुत? देखते हैं जैसे वो बताते हैं बाकी। तो और कौन कौन है परिवार? बड़े भाई हैं, मम्मी हैं, मदर है। तो इनकी माता जी यहाँ पर है, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आंटी? रितु। क्या कुछ नुकसान हुआ आपका? बेटा बहुत नुकसान हुआ, मेरे बच्चों की इसकी स्टडी थी, इसकी स्टडी के लिए थोड़ा थोड़ा करके, आप समझते हो मेडिकल की स्टडी पढ़ानी आज आसान नहीं होती, इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करा था। इसको MSc करवानी थी, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करा था। मेरी बेटी है, उसकी शादी के लिए जोड़ा था मैंने अपना जेवर, बस सब कुछ खत्म हो गया बेटा, सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं ये नहीं कह सकती आप मुझे को आंटी 10 रुपये दो, मैं 10 रुपये निकाल के दूँ। मैंने अपने भगवान जी के लिए, कोई भी लेडीज़ होती है महीने की तनख्वाह आती है भगवान जी के नाम की निकालते हैं, मैंने अपनी गुल्लक आपने देखी होगी उसके अंदर पाती थी मैं हर महीने शकुंभरी माता के, मतलब अलग कि मंदिर का भी जो पैसा इकट्ठा किया था वो भी सारा ले जा चुके, कुछ भी नहीं छोड़ा। सिर्फ ये कि गौर कलयुग आ गया, इस तरीके की तमाम चीजें, गौर से भी गौर कलयुग है बेटा, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। इस टाइम इंसान सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका बेटा, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा। कैसे पता लगा था सुबह आपको एकदम से सूचना मिली कि? हम बेटा 5 बजे के आसपास हम रोपड़ गए हुए थे, वहाँ सो रहे थे, तो 5 बजे के आसपास फोन आया कि ऐसे ऐसे आपके ताले टूटे पड़े हैं। यहाँ से कब लोग आप गए थे बाहर? हम कल यहाँ से 2:30 बजे गए थे, दोपहर 2:30 बजे के आसपास। कितना नुकसान हुआ होगा कम से कम बेटे? 8-9 लाख के आसपास होगा। अब सारी जमा पूंजी सब कुछ मिला के, हाँ जी, सारा मेरा जेवर जो भी कुछ है सब कुछ बेटा, कुछ भी मैं आपको कह नहीं सकती, मतलब कैसे बताऊँ। मेरे आप कहो 10 रुपये दो आंटी, मैं वो नहीं निकाल के दे सकती, मेरा कुछ भी नहीं छोड़ा। और दीवान सरका के उन्होंने अलमारियाँ खोली है, मेरी अलमारी बिना दीवान सरका ही नहीं खोली। माए बेटियों के लिए सपना सजाती हैं। हाँ जी, मेरी बेटी है ताई जी के यहाँ है, उसको यहाँ नहीं लेके आए,
मेरी बेटी है उसके लिए मैंने बहुत पति काफी वो है मतलब कि हाँ जी बहुत ही हाँ जी हाँ जी आज के समय में एक रुपया कमाना बड़ा मुश्किल है सामना करा क्या कुछ लगता है आपको नशेड़ी है जुआरी है जो घूमते रहते हैं सड़कों पर सर उन्हीं का ही काम है ये स्मैकिया वगैरह जो ये लेते हैं आजकल आपको पता ही है सारी जगह टोटली फैला हुआ है और उन्हीं का ही काम है ये और किसी का काम नहीं है बुरे हालात हो चुके हैं शहर के हाँ जी बहुत ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं बेटा हालात और आस पड़ोस में कौन रहता है आपके आस पड़ोस में सर मेरे तीन घर हैं मेरी जेठानी है उसके बाद एक और जेठानी है सामने मतलब सारे हमारे अपने ही हैं बट ये कि ये जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने बाइकों के ताले तोड़ने की कोशिश की पहले कैमरे में सारा देखा है कि पहले बाइकों के ताले तोड़ने की कोशिश की उन पे ताले नहीं टूटे हमारी भी कई बार एक्टिवा बाहर खड़ी होती है बाहर बाइकें खड़ी होती हैं उन्होंने सबकी कोशिश की सामने किसी का प्लाट है उनके प्लाट में भी देखा उन्होंने ताला लगा रहता है उसका वहाँ पे भी उन्हें कुछ नहीं मिला फिर उन सामने बिल्कुल साथ उनका घर है जिनका प्लाट है उनके घर में भी देखा उन्होंने बट वो यहाँ से ही मेन रास्ता यहाँ से निकलते हुए उनकी नज़र ताले पे पड़ी होगी और यहाँ पे तोड़ा उन्होंने तो साथ वाला घर आपके ताए जी का घर है ये क्या नाम है आपका अधीश नाम मेरा तो क्या कुछ हुआ था सुबह क्या देखा आपने सुबह जैसे ही मैं सो रहा था मेरे पापा का फ़ोन आया सुबह दुकान का टाइम होता है देखो हलवाई हैं 5:30 बजे के करीब पापा चले जाते हैं दुकान खोलने जैसे ही पापा का फ़ोन आया कि इनके यहाँ के दरवाजे खुले हुए हैं तो और ऊपर से लाइटें जली हैं तो मुझे लगा चाचा आ गए हैं रोपड़ से पर मैं एकदम से उठ के आया और मैं साथ ही बाहर देखा कि गाड़ी वगैरह खड़ी है या नहीं है कुछ नहीं था तो हमने अंदर आने की कोशिश करने से पहले हमने सारे पड़ोस को इकट्ठा किया कि सब मिलके एक बार अंदर जाएंगे देखते हैं कभी अंदर कोई ना हो ना हो कि कुछ भी हो सकता है किसी बंदे ने इसमें क्योंकि आपको पता ही है पता नहीं हो हथियार हो चाकू बंदूक कुछ भी मार सकते हैं तो हम 3-4 जने पड़ोस के मिलके अंदर आए फिर हमने देखा तो ये सारा वाक्य हो रखा था और हमने साथ ही पहले उससे पहले पुलिस को फ़ोन कर दिया था उससे पहले हम चौंकी में जा चुके थे ऐसा हुआ थे मतलब स्मैक वगैरह इतना आम बात हो गई है जैसे मुझे लगता है आटे से ज़्यादा तो स्मैक मिल रही है लोगों को जो ऐसा कर करके ऐसा कर रहे हैं जो जीवन पूंजी पूरी जीवन पूंजी होती है किसी की जिले में SP भी नहीं है कार्यभार एडिशनल पर चल रहा है और उसके बाद घटनाएं जो है काफी बड़ी है क्या कुछ लगता है ट्रेनिंग्स पर चले जाते हैं लेकिन पीछे से जो है कमान कहीं ना कोई संभालता नहीं है और जिले के हाल बुले हो रहे हैं कुछ है आप देखिए इसकी नॉलेज आप लोगों को होगी कि वो कैसे संभालते हैं कैसे नहीं संभालते ठीक है हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं ठीक है हम पुलिस पे प्रशासन पे विश्वास होता है तो आम लोगों को करना पड़ रहा है। अब यहाँ अब ट्रेनिंग पे कोई भी जाए भरना किसने पूरी उम्र होगी चाचा की उम्र 50 साल है कितना उम्र होगी ने कमाते और सारा खत्म हो गया अब कैसे आगे गुड़ी है उसका बड़ी होगी शादी करनी कैसे करेंगे सब आप खुद सोचिए ना ये इतना मतलब खुश न सच चलिए रोए मत आप तो देख सकते हैं काफ़ी परेशान हैं घर परिवार के लोग इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है काफ़ी ज़िंदगी भर की कमाई चली गई है बेटी की शादी करनी है और इस तरीके के हालात यहां पर दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से घर का सारा सामान जो है मिनटों सेकंडों में चोर ले जाते हैं आखिर इसका जिम्मेवार अब कौन होगा इस तरीके की तस्वीरें अब देखने को मिल रही है तो मेरी सभी से अपील जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे साथ के साथ शेयर जरूर करते हैं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे बाहर काफ़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला हुआ है पार्षद यहां पर खड़े हैं मौके के पार्षद यहां पर खड़े हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं सर क्या कुछ कहना चाहेंगे काफ़ी बुरे खस्ता हालात हो चुके हैं शहर के और काफ़ी लूटपाट वारदात हो रही है क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले तो मेरी प्रशासन से ये अपील है कि ये जो नशा है ना इस नशे ने चोरियाँ चकारियाँ करने पर मजबूर कर दिया है लोगों को क्यों सबसे पहले तो इस नशे पे अंकुश लगना चाहिए इन बेचारों की अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होगी बंदा अपनी मेहनत मजदूरी करके पूरी जमा पूंजी इकट्ठी करता है अपनी ज़िंदगी की और वो एक झटके में सारी पे सेंध लग जाती है तो बहुत ही मतलब दुखदाई ही कहूँगा मैं तो क्योंकि हमारा मोहल्ला भी है पड़ोस है तो प्रशासन से यही मेरी अपील है कि इस जो ये नशे का जो इतना व्यापार कर रहा है उन पर सख्त से कड़ी कार्रवाई की जाए और मतलब कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ऐसी गश्त लगा के कोई ऐसी व्यवस्था करी जाए कि ये शहर में जो जितने कहीं ना कहीं प्रशासन इस समय फेल दिखाई दे रहा है क्योंकि लूटपाट और वारदात काफ़ी सारी क्राइम की भी घटनाएं हो रही है प्रशासन बिल्कुल बिल्कुल विफल है बिल्कुल फेल है सारी तरीके से मतलब ये फेल है और सरकार भी इसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है क्योंकि अगर सरकार नज़रअंदाज क्योंकि पता क्या है जिसके घर में बीतती है ना उसको पता लगता है
सरकार ये जो पुलिस वाले आए हैं वो भी मिली भगत है ना, तो वो मतलब इस चीज़ को सीरियस लेते हैं। अगर कोई भी चला जाता है, कोई बेचारा गरीब आदमी, अगर कोई शरीफ आदमी चला जाता है तो उसको ये कहते हैं आप इसकी पहचान करो जी, आप हमें बताओ अगर आपके आपको पहचान में आते हैं आप हमें बताओ। पहचान करनी होगी हाँ, अगर हमें पहचान करनी होगी तो फिर पुलिस वालों को किस बात की तनख्वाह मिल रही है, फिर तो हम ही पकड़ पकड़ के दे देंगे लोगों को। वो कहते हैं जी आप मौजूद आदमी हो, आप MC हो, आप देखो किसी से पूछो भाई आप लोगों को किस बात की तनख्वाह है, आप लोग देखोगे, आप लोग अंकुश लगाओगे इस पे नशे पे। तो काफ़ी खस्ता हालात हैं। मौके के पार्षद यहाँ पर खड़े थे और उन्होंने बताया कि काफ़ी बुरे खस्ता हालात हैं। गेट चौकी इंचार्ज हमारे बीच में, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या कुछ पूरा मामला हुआ आज, जो चोरी की वारदात हुई है क्या कुछ सूचना मिली थी? हमारे पास सुबह सूचना प्राप्त हुई थी, यहाँ पे जोड़ी बोला मोहल्ले में नर्स सेवादे हैं नवीन कुमार जी। नवीन कुमार जी और उनका परिवार कल अपने मकान को लॉक लगा के 1 तारीख को रोपड़ पंजाब में शादी में गया हुआ था। तो पीछे से रात को घर के बाहर से ताला लगा हुआ था, कोई नाम पता ना मालूम शख्स ने आकर के उनके घर में चोरी की है, ये रात की वारदात है। और हमने सुबह जब वो आए उन्होंने देखा, उनके बयान पर केस हमने दर्ज कर दिया है, स्क्रीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर बुला दी है और CCTV फुटेज हम निकाल रहे हैं उसमें से जल्दी। सर क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ चोरी हुआ है, कितना कुछ सामान? उनके घर का सामान है, कुछ गहने हैं, कुछ नकदी है, कुछ हर सिस्टम में भी उसे देखे। सर आज भी कहीं नाके लगाए गए हैं ताकि इस तरह की चोरी की घटनाएं जो हैं कम हो सके, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए उच्च अधिकारीगण के आदेशों पर अनुसार आज भी हमारी सीलिंग प्लान थी, 10 बजे से 2 बजे तक पूरे शहर को सील करके सभी को नाकेबंदी करके चेक किया गया है और पुलिस अपना काम बड़ी से कर रही है और जल्दी से जल्द हमें को भी चोरी करने वाले हैं इनको भी जल्दी से जल्दी कब्जा करके सलाखों के पीछे पहुँचाने का काम करेंगे जी। ठीक है, धन्यवाद।